राधे राधे मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। और आप सब कैसे हैं? आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज आपके लिए एक ऐसा संकलन लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षाओं में रामबाण का काम करेगा। बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से ये संकलन हमने तैयार किया है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का, कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाषा में जो सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ उनके भिन्न होते हैं। शब्द युग्म भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में सुनने में लगभग एक जैसे होते हैं, जुड़वा भाई जैसे होते हैं। दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन होते अलग अलग हैं। इनका अर्थ भी अलग अलग होता है और उच्चारण समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी इन्हें कहा जाता है। उच्चारण इनका समान होता है लेकिन अर्थ इनका भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को लेकर, ऐसे शब्दों के 80 शब्दों की सूची लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि ये सूची आपकी परीक्षा में राम बाण का काम करेगी। बहुत ही परिश्रम से ये तैयार की गई है और आइए देखते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। शब्द युग्म भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये जोड़े के साथ होते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। तो ये जोड़े में रहते हैं इसलिए इन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द इसलिए कहा जाता है कि सम समान, श्रुत सुनने में, भिन्न अर्थक सुनने में समान हो और अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं इसलिए इन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इस नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें, इसलिए समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। आइए देखते हैं। ऐसे ही शब्दों की बहुत अच्छी लिस्ट लेकर आया हूँ, सूची लेकर आया हूँ। अंश, अंश और अंश, इस अंश का अर्थ होता है इसमें तालव्य स है। ये तालव्य स होता है और ये होता है दंत्य स। तो जिस अंश में तालव्य स होता है उसका अर्थ होता है हिस्सा, हिस्सा या भाग। और दंत्य स आएगा उसका अर्थ होता है कंधा। अंश का अर्थ क्या है? कंधा। और दूसरे अंश का अर्थ क्या है? भाग या हिस्सा। अनल, अनल का अर्थ होता है आग। अनल का अर्थ क्या होता है? आग। जैसे दावानल, दावानल क्या होता है? वन में लगने वाली आग। जठरानल क्या होता है? जठरानल, पेट में लगने वाली आग। जठर धन अनल, दाव धन अनल। ऐसे ही दावानल, जठरानल और तीसरी होती है दावानल, ये होता है बड़वानल, बड़वानल। ठीक है, ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। तो जो समुद्र में आग लगती है उसे बड़वानल कहते हैं, जठर में लगती है जठरानल कहते हैं और वन में लगती है उसे दावानल कहते हैं। तो अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। यहाँ एक ही मात्रा है, यहाँ एक ही मात्रा नहीं है। जो विद्यार्थी मात्रा लगाने में गलतियाँ करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत ही काम की चीज़ है। मात्रा यदि आपने ओ के स्थान पर ऊ, ए के स्थान पर ई, इस तरह से मात्राएं लगा दी तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगला देखते हैं, मेघ। मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। मेध का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेध, ये स्टार लगा हुआ है। मेध का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है मेध का अर्थ? यज्ञ। और मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। मेधा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, अगला है अयस। ये यस में उपसर्ग लगा हुआ है अ, अका अर्थ होता है नहीं, रहित। यस न हो जिसका उसे कहेंगे अयस, अर्थात बदनामी। अयस का अर्थ क्या हुआ? बदनामी। और अयस दंत्य स आएगा जहां अयस में, उसका अर्थ होता है लोहा। अयस का अर्थ होता है लोहा और अयस का अर्थ होता है बदनामी। अगला है प्रथा और प्रथा, ये इसमें प आधा है र पूरा है, प्रथा। ठीक है, प आधा र पूरा, प्रथा। रीत रिवाज को कहा जाता, रीत रिवाज को कहा जाता है। और प्रथा का अर्थ होता है कुंति। इसमें प में र की मात्रा लगी हुई है, प के साथ क्या है? रे, प्र,
पृथा का अर्थ क्या है? कुंती। अगला देखते हैं कच्छ। कच्छ का अर्थ होता है बाल, बाल केश। कच्छ का अर्थ क्या होता है? बाल। और कुछ का अर्थ होता है स्तन। कच्छ और कुछ दोनों संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं। कच्छ का अर्थ बाल होता है और कुछ का अर्थ स्तन होता है। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जात। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सूची है। यदि आप पुराने प्रश्न पत्र उठा कर देखोगे तो यहाँ से मिलेगा। और विश्वास है कि इस वीडियो में से यदि आप इस तरह की कोई परीक्षा देते हैं जहाँ संस्कृत भिन्नार्थक शब्द पूछे जाते हैं तो आपको 100% आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जात। अगला है द्रव। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, कोई भी द्रव, ठोस, गैस। ये आपने पढ़ा होगा द्रव, ठोस और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें द्रव कहा जाता है, जो ठोस होते हैं वो ठोस और गैसीय रूप में होते हैं उन्हें गैस। तो द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ है धन। द्रव्य का अर्थ क्या है? धन। तो ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं, थोड़ा सा सुनने में भिन्न है लेकिन अर्थ अलग अलग है। गृह, रेखी मात्रा है, गृह घर और ग्रह नक्षत्र। जैसे आठ भूगोल में पढ़ते हैं आठ ग्रह हैं, ज्योतिष में पढ़ते हैं नौ ग्रह हैं, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? नौ। ये ग्रह नक्षत्र हैं और गृह, ये गृह विज्ञान विषय पढ़ते हैं या गृह कार्य, तो रेखी मात्रा है ग पर। ये गृह का अर्थ होता है घर। आइए देखते हैं आगे अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानकार। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। जो जानता हो उसे कहेंगे अभिज्ञ, और जो न जानता हो, कुछ भी न जानता हो, जिसे कुछ न आता हो, कुछ न जानता हो, उसे कहते हैं अनभिज्ञ। वो तो अनभिज्ञ है, उसे कुछ आता नहीं, उसे कोई जानकारी नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा रखा है हमने। अनभिज्ञ का अर्थ वैसे भी पूछा जाता है, पर्यायवाची भी पूछा जाता है, विलोम भी पूछा जाता है इसका, ठीक है? तो अनभिज्ञ अनजान। अगला है अंगना। अंगना चंद्रबिंदु आएगा अपर तो उसका अर्थ होगा आंगन। अंगना का अर्थ क्या होगा? आंगन। और अंगना अनुस्वार आएगा, सिर्फ अनुस्वार आएगा, तो अंगना का अर्थ होता है स्त्री। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है अंगना का अर्थ क्या है। तो अंगना और अंगना में ये अंतर है, ये आंगन होता है और दूसरा ये अंगना है, स्त्री होता है। आरत और आरती बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आरती और आरती अशुद्ध बोलते हैं, जैसे कहते हैं आरती की जे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जे, आरत नहीं, क्या कहा जाना चाहिए? आरती। आरती होती है जब धूप और दीप, दीप प्रज्वलित करके धूप उसमें लगाकर जब पूजा की जाती है तो ऐसी विधि को आरती कहा जाता है। ये आरती पूजा की एक विधि होती है जिसमें धूप और दीप का होना अनिवार्य होता है। दीपक नहीं होगा तो आरती नहीं होगी, इसलिए जलता हुआ प्रज्वलित दीप होना चाहिए, उसे आरती कहते हैं। और आरती, आरती का अर्थ होता है दुख या विरक्ति। दुख या विरक्ति को आरत कहते हैं। इकी मात्रा और ई की मात्रा जो अशुद्ध रूप से लगाते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें, आरत और आरती में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभिराम अविराम। अगला है अभिराम, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, स्टार लगा हुआ है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अभिराम सुंदर, यदि कोई सुंदर है तो आप अभिराम शब्द का प्रयोग करेंगे। और अविराम, अविराम में लगा हुआ है। विराम का अर्थ होता है रुकना, रुकावट, ठहराव, जहाँ रुका जाए उसे विराम कहते हैं। अ का मतलब नहीं, जहाँ विराम न हो अर्थात लगातार या निरंतर। अविराम का अर्थ क्या हुआ? लगातार या निरंतर। निरंतर को अविराम और सुंदर का अर्थ होता है अविराम, अविराम को सुंदर, ठीक है।
संस्कृत भिन्नार्थक शब्द ऋत, ऋत का अर्थ होता है सत्य, ऋत का अर्थ क्या होता है सत्य, और अन धन ऋत, जब अन के साथ ऋत जोड़ा जाएगा तो ये अ के बाद न पे ऋ की मात्रा आ जाएगी, क्या हो जाएगा अनृत, क्या हो जाएगा अनृत, ये हो जाएगा अनृत का अर्थ होता है झूठ, अनृत का अर्थ क्या होता है झूठ, तो ऋत का विलोम शब्द होगा अनृत, ध्यान रखें अनृत का अर्थ झूठ और ऋत का अर्थ सत्य, और ऋत होता है मौसम, ये तो सब जानते हैं, ऋतु का अर्थ क्या है मौसम, ऋतु मौसम और ऋत सत्य, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, भवन और भुवन, भवन महल मकान घर, जो मकान बना होता है महल होता है उसे भवन कहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, भुवन का अर्थ होता है संसार, भुवन मोहिनी संसार को मोहित करने वाली, तो संसार भुवन क्या अर्थ है इसका संसार। अगला है व्यंग और व्यंग्य, व्यंग दिव्यांग या विकलांग, दिव्यांग या विकलांग को क्या कहते हैं व्यंग, और दोस्तों व्यंग्य किसे कहते हैं ताना मारना या उलाहना देना, व्यंग में जैसे कोई मजाक करता है ताना मारता है, कोई दुबला पतला है तो उससे क्या कह दिया अरे आइए 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 पहलवान, कोई कम जानकार है क्लास में है और उससे कह दिया आइए आपने तो टॉपर टॉप हो टॉपर हो टॉप कर दिया क्लास, जो फेल हो गया उसे टॉपर कह रहे हो तो ये क्या है व्यंग्य है, जो कमजोर है उसे पहलवान कह रहे हो तो क्या है व्यंग्य है उपालंब है, तो व्यंग्य ताना मारना होता है व्यंग्य, ठीक। अगला है स्वच्छ, स्वच्छ सु धन अक्ष, सु का अर्थ होता है सुंदर, अक्ष का अर्थ होता है जब संधि होगी तो एक ही मात्रा हट जाती है, सुधन अक्ष स्वच्छ क्या होगा स्वच्छ, यह संधि है उसके बाद आ आया तो उका वो हो गया ये स्वर रहित हो गया, स्वच्छ का अर्थ है सुंदर आंख, सु माने होता है सुंदर, अक्ष माने आंख, स्वच्छ का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये अधिकांश विद्यार्थी इसे गलत कर देते हैं, स्वच्छ का अर्थ क्या है सुंदर आंख, और स्वच्छ स्वच्छ ये है और स्वच्छ इसका अर्थ होता है साफ सफाई, ये आप सब जानते हैं। अगला है शीशा, दोनों तालव्य से होंगे जहाँ उसका अर्थ होता है कांच, जो हम दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं शीशा, और दोनों दंते से आएंगे इस शीशा को कहेंगे धातु, एक धातु होती है जो शीशा वो इस तरह से लिखी जाएगी और जो कांच होता है शीशा दर्पण होता है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अगला है प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा भगवान की, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, कोई भी चीज कृपा में मिलती है या भगवान की पूजा अर्चना के बाद आरती के बाद जो भगवान को चढ़ाने के बाद बांटा जाता है प्रसाद, और प्रासाद का अर्थ होता है महल, प्रासाद का अर्थ क्या होता है महल, बहुत प्रासाद प्रासाद महल होता था, ठीक है, तो ये महल प्रासाद आ का डंडा आएगा तो महल हो जाएगा, और अ है तो कृपा, नीर और नील, नीर जल सब जानते हैं, नीर जल नीरज जल जल में जन्म लेने वाला, नीर नीर का अर्थ होता है घोंसला, नीर का अर्थ क्या होता है घोंसला, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है नीर का निर्माण फिर क्या है फिर से घोंसला बनाना, चिड़िया घोंसला बनाती है वो घोंसला होता है नीर कहलाता है। जल द जल द, द का अर्थ होता है देने वाला, जो जल दे उसे कहते हैं जलद बादल, आप सब जानते हैं। जल ज, ज का अर्थ होता है जन्म, जिसका जन्म जन्म जल में हुआ हो उसे कहते हैं जलज, कमल कमल के लिए ये रूढ़ हो गया है लेकिन वैसे जलज अन्य पदार्थों के लिए अन्य वस्तुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है, जैसे जौंक होती है जल में, जैसे मोती होता है, जैसे शैवाल होता है, मछली होती है जो जल में जन्म लेते हैं उन्हें जलज कहा जाता है, तो जलद जल देने वाला अर्थात जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल, आप सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है वहन, वहन का अर्थ होता है ढोना और बहन का अर्थ होता है बहन,
ठीक है, भाई बहन वाला ये है और ये होता है ढोना, कोई भार ढो रहा ढोके ले जा रहे हो, सवारियां ढोके गाड़ी से ले जा रहे हो, कुछ भी ढोकर ले जा रहे हो उसे कहेंगे वाहन। ठीक है, तरणी नाव, तरण सूर्य और तरणी युवती, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में, बहुत बहुत पूछा जाता है बार बार। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए, तरण सूर्य, तनुजा पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना, तो तरण काय का अर्थ है सूर्य, तरण का अर्थ क्या है सूर्य, तरुणी युवती युवावस्था में जो हो स्त्री महिला लड़की उसे युवती कहा जाता है, तो तरणी तरणी नाव, नाव को कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तुरंग घोड़ा, तुरंग का अर्थ क्या है दोस्तों घोड़ा, और तरंग का अर्थ क्या है लहर, तरंग जो जल में उठती हैं लहरें होती हैं और तुरंग होता है घोड़ा, सुनने में एक जैसे लगते हैं अर्थ अलग अलग है, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अवलंब सहारा और अविलंब शीघ्र, अवलंब का अर्थ क्या है, अवलंब का अर्थ है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड और उद्यत का अर्थ होता है तैयार, उद्यत, ये द और ये मिलकर बनता है, द के साथ ये का मेल होता है तब बनता है देव, उच्चारण होता है देव, क्या होगा देव, तो उद्यत तैयार, उद्धत उद्दंड, उद्दंड होता है कोई तो उसके लिए उद्धत शब्द प्रयुक्त होता है और किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना उद्यत होता है। अलिप भ्रमर, षटपद भी कहते हैं, छह पैर होते हैं, आली सखी, अली या आली जो होता है वो सखी के लिए प्रयुक्त होता है सहेली के लिए। केसर घोड़े या सिंह के अयाल गर्दन के बाल को केसर कहा जाता है और ये केसर होता है पराग, पराग इसे जो खाने वाला होता है उसे केसर, कालव्य से आएगा तो पराग और गंध से आएगा तो सिंह के अयाल। अम्बुद, अम्ब का अर्थ होता है जल, द का अर्थ होता है दोस्तों देने वाला, जल देने वाला कौन देता है बादल, और अम्बुज, अम्ब का अर्थ होता है जल, ज का अर्थ होता है जन्म, जिसका जल में जन्म हो उसे कमल कहते हैं, तो अम्बुद बादल, अम्बुज कमल। सीता मित्र बहुत महत्वपूर्ण है, सीता काय का पर्यायवाची है, सीता का अर्थ क्या है, सीता का अर्थ होता है चीनी, चीनी को सीता कहते हैं और सीता जानते ही हो माता सीता, ठीक है, जानकी को सीता कहा जाता है। अगला देखते हैं सम इंद्रिय निग्रह, सम क्या होता है इंद्रिय निग्रह और ये सम होता है समा, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को बस में कर लेना संयम से लेना, सम कहलाता है सम, तालव्य श और दंत्य श, सम समान बराबर के लिए आता है, सम संख्या, सम संख्या में कौन सा आता है दंत्य श। ठीक, शाला, शाला का अर्थ होता है घर मकान धर्मशाला, ठीक है, पाठशाला या पढ़ने का घर हो, पढ़ने का स्थान हो, धर्म का घर हो धर्मशाला, और ये शाला होता है पत्नी का भाई, अर्थात यदि दंत्य से लिखा गया है तो शाला पत्नी का भाई और तालव्य से लिखा गया है तो घर या मकान के लिए प्रयुक्त होगा। सुत और सूत, कुछ लोग ये ओ और ऊ की मात्रा गलत लगाते हैं, बार बार हम बता रहे हैं सुत का अर्थ होता है पुत्र, सुत का अर्थ क्या होता है मित्रों पुत्र, पुत्र को सुत कहते हैं और सूत का अर्थ होता है सारथी या धागा, अर्थात सूत का अर्थ धागा भी होता है और सारथी भी होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है सुत का अर्थ क्या हुआ पुत्र, पवन सुत, पवन सुत पवन पुत्र, सूत सूत पुत्र सारथी का पुत्र, ठीक है, या धागा। मड़े, मड़े का अर्थ होता है रत्न, मणि एक रत्न होता है और मणि का अर्थ होता है जो मणि को धारण करने वाला सर्प हो उसे कहते हैं मणि, अर्थात मणि का अर्थ हुआ सर्प और मणि का अर्थ हुआ रत्न, बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये आपकी परीक्षाओं के लिए, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं अगला क्या है, अपेक्षा, हाँ अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, उपेक्षा का अर्थ क्या होता है अवहेलना, अवहेलना क्या होता है अपेक्षा आशा, हमें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है मतलब कोई आशा नहीं है,
उपेक्षा अवहेलना। मैं उसके घर गए, उसने मेरी मुझसे बात नहीं की, मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरी उपेक्षा की गई। ठीक है, तो उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना और अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। ठीक है, अपत्य वेरी इंपॉर्टेंट, अपत्य का अर्थ होता है संतान। पर्यायवाची में पूछा जाता है अपत्य का अर्थ क्या होता है, और अपथ्य अका अर्थ यहाँ नहीं, पथ्य का मतलब पचने योग्य, जो पचने योग्य भोजन न हो उसे कहते हैं अपथ्य। रोगियों को दिया जाने वाला भोजन होता है पथ्य, आसानी से पचने वाला, और रोगी के अनुकूल भोजन न हो उसे कहते हैं अपथ्य। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द अम्ब माता, अम्बे तू है जगदम्बे रानी, क्या है अम्बे, अम्बा किसे कहते हैं माता को, और अम्ब जल को कहते हैं। अम्ब का अर्थ क्या है जल, सुनने में एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग है। अम्ब का अर्थ माता और अम्ब का जल। अभिसार प्रिय से मिलने का स्थान अभिसार, और प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका अभिसारिका, दिन में जाने वाली दिवाभिसारिका और रात्रि में जाने वाली या कृष्ण पक्ष में जाने वाली कृष्णाभिसारिका, शुक्ल पक्ष में मिलने जाने वाली शुक्लाभिसारिका। शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में श्वेत वस्त्र पहनकर जाती है उसे शुक्लाभिसारिका कहते हैं, और कृष्ण पक्ष में नीले या काले वस्त्र पहनकर जाती है उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। तो अभिसार का अर्थ है स्थान मिलने का, और अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण। अभिसार का अर्थ क्या होता है आक्रमण। अगला देखते हैं 39वां, अग अ नहीं, ग गमन, जो गमन न करे, जो गमन न करे उसे कहते हैं अग, अर्थात जो अचल रहे, जैसे पर्वत है, पेड़ है, जो एक जगह स्थिर रहे उसे कहते हैं अग। और अघ का अर्थ होता है पाप, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में अघ का अर्थ क्या होता है पाप। अगला देखते हैं 40वां, आग, आग, आदि का अर्थ होता है आरंभ, किसी कार्य को आरंभ करना आदि कहते हैं, आदि पुरुष आरंभिक पुरुष, और आदि आदत पड़ जाए काम करते करते किसी की तो उसे अभ्यस्त, आदत को या अभ्यस्त हो जाता है उसे कहते हैं आदि। अगला देखते हैं 41वां, कंजर, नीच पुरुष या एक जात विशेष होती है कंजर, और कुंजर कहते हैं हाथी को, कंजर कंजर की एक जात होती है, या नीच पुरुष को कंजर कह दिया जाता है और कुंजर होता है हाथी। 42वां देखते हैं, कपिस, मटमैला या भूरा होता है उसे कपिस कहा जाता है, और कपीस होता है कपिधन ईश, बंदरों का स्वामी, अर्थात हनुमान को कहा जाता है कपीस। ठीक है, हनुमान के साथ साथ सुग्रीव को भी कपीस कहा जाता है, तो कपीस कपिधन ईश बानर का स्वामी। अगला है प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है साक्षी, और प्रणाम का अर्थ होता है बड़ों को अभिवादन, प्रणाम अपने से बड़ों को किया जाता है, नमस्कार प्रणाम जो अपनों से बड़ों को करते हैं, और प्रणाम प्रमाण होता है साक्षी। 44वां देखते हैं, मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मूल का अर्थ क्या है जड़, और मूल्य का कीमत। शकल तालव्य है, तो शकल का अर्थ है मुखड़ा, सकल दिखला दे, मेरी सकल अच्छी नहीं है, सकल का अर्थ क्या है मुखड़ा, और इस सकल का अर्थ क्या है संपूर्ण, या दंते स है तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण। अगला देखते हैं 46वां, कृपड़ और कृपाण, कृपड़ का अर्थ होता है कंजूस, वह तो निरा कृपड़ है, जो कुछ भी खर्च नहीं करता है उसे कृपड़ कहते हैं, मक्खी चूस, और कृपाण का अर्थ होता है अस्त्र तलवार, कृपाण खंजर तलवार को कृपाण कहते हैं। देखते हैं 47वां, लक्ष्य, लक्ष्य रुपए चाहिए, लक्ष्य का मतलब लाख, एक लाख, और लक्ष्य लक्ष्य उद्देश्य निशाना, लक्ष्य का अर्थ क्या होगा निशाना उद्देश्य, जैसे आपका लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना, निशाना आपका लक्ष्य क्या है नौकरी प्राप्त करना, परीक्षा में पास होना, तो ये हो गया लक्ष्य, और लक्ष्य का अर्थ क्या है लाख। ठीक है, वसम वस्त्र को कहते हैं, वसम किसे कहते हैं वस्त्र को, और व्यसन आदत को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है व्यसन। ठीक है, व्यसन लगाना है तो विद्या का लगाइए, व्यसन लगाना है तो पढ़ाई का लगाइए, व्यसन दुर्व्यसन नहीं लगाने हैं, जैसे सो रहे हो
तो दुर्व्यसन है, शराब तंबाकू या मद्यपान कर रहे हो तो दुर्व्यसन है, गालियां दे रहे हो तो दुर्व्यसन है। व्यसन से बचना है और अच्छे वसन पहनने हैं और अच्छा व्यसन लगाना है, ठीक है। अंश, अंश का अर्थ भाग, और अंशु किरण, अंशुमाली सूर्य, अंशु अंशुमाली किरणों का माली कौन है, सूर्य। अंशुमाली का अर्थ सूर्य होता है, अंशु का अर्थ होता है किरण, और अंश का अर्थ होता है भाग, ठीक है। अगला है वात, वायु के लिए आता है, और ये बात ओष्ठ्य, बात का अर्थ होता है बातें, हम बातचीत कर रहे हैं ये तो बात है, और वात व दंतोष्ठ, वह वात आएगा तो वायु, जैसे कफ पित्त वात, कफ पित्त वात, ठीक है, तो ये वाला वात आएगा, और बात करेंगे तब ये वाला आता है। छात्र विद्यार्थी को कहते हैं, और छात्र क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्रिय जो क्षत्रियों का उचित कार्य होता है क्षत्रियोचित, उसे छात्र कहते हैं। इन छात्र में दोनों में अंतर, ये छात्र है ये क्षात्र है, क और श के योग से बनता है ये क्षात्र, ठीक। शशधर चंद्रमा को कहा जाता है, शशधर का अर्थ क्या है, चंद्रमा, और शशि चंद्रमा धर धारण करने वाला, शशिधर शिव, शशधर चंद्रमा और शशिधर शिव। हरे, हरे का अर्थ होता है विष्णु, और हर का अर्थ होता है शिव, हर 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 गंगे, ठीक है, या हर हर महादेव, तो हर का अर्थ क्या है शिव, और हरे का क्या है विष्णु, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, हरे विष्णु हर शिव। द्वीप, यदि ई की मात्रा है तो हाथी, और ई की मात्रा है तो टापू, द्वीप का अर्थ होता है टापू, और द्वीप कहते हैं हाथी को, द्वीप इसे कहते हैं हाथी को। कटबंध, कट माने कमर, बंध माने बंधने वाली, जो कमर को बांधती है, कमर पर बांधी जाती है उसे कहते हैं करधनी, उसे क्या कहते हैं करधनी। और कटबद्ध, कटबद्ध का मतलब होता है लगातार तैयार, किसी भी काम के लिए तैयार होना कटबद्ध है। अगला है शर, तालव्य स आए तो शर का अर्थ होता है बाण, शरासन धनुष, शर बाण। और यदि दंत्य शाय तो इसका अर्थ होता है तालाब, सरोवर, ठीक है, सरोज, तो इस सर से ही ये तालाब बना है, और तालाब से संबंधित पर्यायवाची आते हैं सर। आइए अगला देखते हैं, ब्याज बहाना, ब्याज स्तुति, आपने एक अलंकार भी पढ़ा होगा, ब्याज का अर्थ क्या है, ब्याज का अर्थ है यदि वह है तो ब्याज का अर्थ है बहाना, और ब्याज का अर्थ है सूद, सूद का मतलब जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो पैसे दिए जाते हैं और उस पर जो धन एक्स्ट्रा लगाया जाता है वो होता है ये ब्याज, और ब्याज होता है बहाना। शंभु घोंगा को कहा जाता है, और शंभु शिव को कहा जाता है, शंभु का अर्थ क्या है घोंगा, और शंभु का अर्थ क्या है शिव। व्रण बहुत महत्वपूर्ण है, व्रण का अर्थ भाव होता है, और वर्ण का अर्थ क्या होता है रंग, व्रण, व्रण का अर्थ क्या है घाव, घाव हो जाए कोई चोट लग जाए जो घाव होता है उसे कहते हैं व्रण, ठीक। अगला है स्तन, रोज को कहा जाता है, और स्तन्य ये पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, स्तन्य का मतलब होता है दूध, ठीक है, स्तन्य गाय का दूध, माँ का दूध, भैंस का दूध, जो दूध होता है उसे कहा जाता है स्तन्य। अगला है कंचन, कंचन, कंचन नगरी लंका नगरी, कंचन नगरी कौन सी लंका, कंचन का अर्थ स्वर्ण, कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण, और कंचन पे ई की मात्रा लगा दी नपे तो हो गया वेश्या, कंचनी का अर्थ क्या होता है वेश्या। कट, कट का अर्थ होता है दोस्तों कमर, और किट का अर्थ होता है सुअर, किट का अर्थ क्या होता है सुअर। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना या दंत्य स है, और स्व तालव्य स है तो आने वाला कल, आने वाला कल स्व संस्कृत में कहा जाता है, आने वाले कल को स्व, और स्व का अर्थ होता है अपना। इसके बाद है कुल और कूल, कुल और कूल,
कुल का अर्थ होता है वंश, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, और कूल का अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा कूल। ठीक, अगला है कुजन। कु का अर्थ होता है बुरा, जन का अर्थ होता है व्यक्ति, बुरा व्यक्ति अर्थात दुर्जन को कुजन कहते हैं, और कुजन शब्द होता है कलरव, कलरव का मतलब होता है ध्वनि, जैसे चिड़ियाएं बोलती हैं सुबह सुबह शोर मचाती हैं, पक्षी शोर मचाते हैं, तो कुजन कलरव। स्वर्ग का अर्थ होता है एक लोक, जैसे पृथ्वी लोक है ऐसे ही स्वर्ग लोक है, एक लोक का अर्थ, स्वर्ग का अर्थ होता है एक लोक, और सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। सर्ग का अर्थ क्या है? अध्याय, जैसे कामायनी में 15 सर्ग हैं, तो सर्ग का अर्थ क्या हुआ? अध्याय। और स्वर्ग, स्वर्ग का देवता इंद्र है, मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, तो इस तरह से स्वर्ग एक लोक है। आकार का अर्थ है खजाना, और आकार का अर्थ है रूप। अगला है अस्त्र, हाथ में पकड़, हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है, और हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र होता है। अस्त्र और शस्त्र बहुत बहुत पूछा जाता है। अगला है निर्जल, निर्जल ठीक है, जो बूढ़ा ना हो, निर्जल का अर्थ होता है देवता, निर्जल का अर्थ क्या होता है? देवता, निर्जर का अर्थ देवता, और निर्जर का अर्थ झरना, निर्जर का अर्थ क्या होता है? झरना, निर्जर, और निर्जरणी नदी, निर्जर देवता, इंपॉर्टेंट है, निर्जर का अर्थ देवता और निर्जर का झरना। परिणय, परिणय विवाह, परिणय बंधन, शादी का कार्ड आता है तो आप पढ़ते हो, उसमें लिखा है परिणय बंधन में बंधेंगे, परिणय का अर्थ विवाह, और प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, प्रणय, प्रणय का अर्थ क्या होता है? प्रेम, और प्रणत का अर्थ होता है झुका हुआ, ठीक है, नमस्कार किया जाता है प्रणत होके, जबकि प्रणीत का अर्थ होता है रचित, रामचरित मानस तुलसीदास प्रणीत है, और परिणीत का अर्थ होता है विवाहित, विवाहित होता है उसे कहते हैं परिणीत, ठीक है। अगला है शुद्ध, शुद्ध नहीं आई, श्री कृष्ण जब से मथुरा गए तब से राधा की शुद्ध नहीं ली, शुद्ध का मतलब याद, और शुद्धि का मतलब बुद्धिमान, जैसे शुद्धि पाठक, पुस्तकों में आपने पत्रिकाओं में लिखा देखा होगा शुद्धि पाठक, जैसे आप हमारे शुद्धि श्रोता हो, शुद्धि विद्यार्थी हो, ठीक है, शुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, बुद्धिमान विद्यार्थी, ये शुद्धि पाठक, शुद्धि श्रोता, शुद्धि विद्यार्थी, शुद्धि दर्शक, बुद्धिमान दर्शक, ठीक, शुद्धि। अगला है आभरण, आभरण का अर्थ होता है आभूषण, और आमरण का अर्थ होता है मरण पर्यंत, मरने तक, आमरण अनशन, जैसे कहा जाता है आमरण अनशन पर बैठे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन पर ही बैठे रहेंगे, और आभरण का अर्थ क्या हुआ? आभूषण। चपल, चपल का अर्थ होता है चंचल, और चपला का अर्थ होता है बिजली, जो चपला बिजली, और चपल चंचल। अगला है कलश, कलश का अर्थ होता है घड़ा, भागवत होती है तब कलश भरे जाते हैं अर्थात घड़ा, और पुलिस का अर्थ होता है वज्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, पुलिस पूछा जाता है, पुलिस पर्यायवाची शब्दों में भी पूछा जाता है, पुलिस का अर्थ क्या है? वज्र, इंद्र का वज्र था। ग्रंथ का अर्थ होता है किताब, और ग्रंथी का अर्थ होता है सिख गुरु, ठीक है, ग्रंथी का अर्थ क्या है? सिख, सिख गुरुओं से संबंधित ग्रंथी। मरीच का अर्थ है किरण, और मरीची का अर्थ होता है सूर्य, मरीची का अर्थ क्या होता है? सूर्य, मरीच का अर्थ किरण। स्वजन, यदि दंतेश है स्वजन, तो स्व का अर्थ होता है अपने, जन माने लोग, जो अपने लोग हों भाई बंधु उन्हें कहते हैं स्वजन, और यदि तालव्यश लगा दिया तो स्वजन का अर्थ होगा कुत्ता, जो लोग इस स दंतेश तालव्य स में अंतर नहीं समझते हैं और एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो अपने भाई को आप स्वजन कह सकते हो इस तरह से, और उसी के स्थान पर आपने इससे लिख दिया तो हो जाएगा कुत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? कुत्ता। तो ध्यान से प्रयोग करें सावधानी पूर्वक, तालव्य स आ रहा है तो इसका अर्थ कुत्ता, और दंतेश आ रहा है तो इसका अर्थ है बंधु भाई। शर्व, तालव्य स आ रहा है तो शिव, और दंतेश आ रहा है तो सर्व, सब कुछ, सब, सर्व अर्पण किया, ज्ञान तब तुल दिया, करेल ध्याना ज्ञान पा कर नगुर को
बुलाना। व्यस्त का अर्थ होता है व्यक्ति और व्यस्त का अर्थ होता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। दोस्तों 80 समसूत्र भिन्नार्थक शब्दों की ये जो टॉप मोस्ट है, परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से मिलेगा आपको, विश्वास है। बहुत मेहनत से तैयार की है ये सूची और मुझे लगता है कि ये 80 शब्दों की सूची आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपके लिए लाभकारी है, आपको अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हिंदी से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित विद्युत गुरुकुल पर नंबर 1 कंटेंट के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।